Namaste and welcome back to the channel. Hope you guys are doing well. Today in this vlog I am going to show you about Shillong, which is the capital city of Meghalaya and is a very interesting and tourist destination in northeast part of India. दोस्तों मेरा ट्रिप शुरू हुआ गुवाहाटी से। गुवाहाटी से मैंने शेयर टैक्सी से शिलोंग के लिए रवाना हो गया और दूरी जो है सिर्फ 4 घंटा। दोस्तों मोमोस ऑर्डर किया है, अभी ये रहा मेनू, लेकिन बहुत कॉस्टली है, महंगा है। दोस्तों नोटिस में आए तो क्या आए अगर आप लोग मोमोस नहीं खाए तो। ये रास्ता में मिला था नोंगफो बोल के एक जगह है जो कि रिफ्रेशमेंट पॉइंट है। ये क्या है मैडम? ये क्या है? सामूल पान है दोस्तों। तामुल पान मीन्स पान और सुपारी चूना के साथ मिक्स करके आप लोग खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, वेरी फेमस है नॉर्थ ईस्ट में। ये ड्राइवर भाई साहब का नाम राजू है, बहुत ही ऑनेस्ट और जेंटल है। गुवाहाटी से शिलोंग टू एंड फ्रो वो टैक्सी ऑफर करता है। और दोस्तों पहुंच गया मेरा होटल, होटल आशुतोष ने ऑनलाइन बुकिंग किया था, बहुत ही रिचार्ज किया मैंने होटल्स ढूंढने के लिए, फाइनली इस होटल को मैंने चुन लिया। अच्छा लगा, बजट ट्रैवलर के लिए बहुत ही परफेक्ट है, एकदम मेन पुलिस बाजार में है जो कि शिलोंग का पूरा हब है आशुतोष ने। इसका रूम का रिव्यू मैं वीडियो का आखिर में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को आखिर तक। अच्छा लगा, बहुत ही बहुत बढ़िया है ये होटल, मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट रहा क्योंकि मैं ये सिर्फ नाइट स्टे के लिए यूज़ करता था, दिन भर में बाहर जाता था साइट सीइंग के लिए। Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. तो अब तक वीडियो देखे आप लोग को समझ में आया होगा कि शिलोंग जो है बहुत ही क्लीन है, बहुत साफ सफाई है। इनफैक्ट पूरा मेघालय ही बहुत साफ सफाई में ध्यान रखता है, ये बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए। गाइस मैं अभी हूँ गोल्फ लिंक,
श्रीलंका जो गोल्फ कोर्स है बड़ा मुश्किल से लास्ट मोमेंट है लेतलुम से आके इधर में, तो बहुत रिफ्रेशिंग है। उसमें लिखा हुआ है साइन बोर्ड कि यू आर एंटरिंग जीरो लिटरिंग जोन, यानी इधर में कुछ भी कचरा पचरा नहीं फेंकने का है। तो शिलोंग सीधी से ये बीच जो बीच है विच इज़ वेरी फैंटास्टिक, मज़ेदार है, लेकिन आज आदमी नहीं है। मतलब इधर भी रिफ्रेश होने के लिए बहुत बढ़िया है, पीछे देखे सीनरी बहुत बढ़िया लग रहा है, दैट्स ब्यूटीफुल। इधर देखता है दोस्तों, ये गोल्फ लिंक बहुत ही खूबसूरत है। टाइम इतना कम होता है ना, ऊपर से ड्राइवर ने भी मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि भैया जल्दी से आ जाना, क्योंकि उसका लगा मैं लेट लूम ने काफ़ी लेट किया, और मुझे भी जल्दी जाना है क्योंकि मैं जल्दी गुवाहाटी पहुंचना चाहता हूं, यहां से दिन घंटा तो लग जाएगा। बात मुझे गोल्फ का लिंक देखना था, इट्स रियली ब्यूटीफुल और टाइम पास कर सकता है। गोल्फ रो गया, पूरा बंद हो गया, ये बेहतरी ख़त्म। दूसरा बेहतरी जो था वो है होटल में है, मैंने भूल गया था सुबह में। तो दोस्तों ये दोस्त मिले हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हो? आप लोग शिलोंग से हो? हाँ। ये लोग मिला है, बोला भैया आप यूट्यूबर हो? मैंने बोला हाँ, क्योंकि पीछे देखो है ना, शिलोंग तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। कौन सा कैमरा इधर घुमा दो भाई। अब ये वीडियो छोड़ दिया क्या? यस, बहुत सुंदर है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को शिलोंग गोल्फ कोर्स बहुत पसंद आया होगा। आप लोग कभी भी शिलोंग आएंगे, मेघालय आएंगे, तो एक बार ज़रूर इधर आने का, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फैंटास्टिक। मैं सिर्फ एक तरफ ही आया हूँ, दूसरी तरफ भी है रास्ता की उस तरफ, उधर भी आप लोग जा सकते हो। और दोस्तों ये रात का नज़ारा आप लोग देख लिए, बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत इन अ सेंस है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज दुकानें हैं और नीट एंड क्लीन, सबसे बड़ी बात है बहुत साफ सफाई है, जैसे कि मैं वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ। और यह है वन ऑफ द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया। ये मैं शाम को आते ही साइट सीइंग से आके ही मैं शूट कर रहा था, और ये मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में दुकान इतना जल्दी खोलता नहीं है, ठंडी जगह है तो सब सोते हैं। नो मास्क एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। देखते हैं क्या है, बाहर देखिए रेस्टोरेंट। दोस्तों मानो ऐसा लग रहा है मेला लगा हुआ है, मेला। दोस्तों पूरा इंडिया में मैंने कहीं भी देखा नहीं है कैक्टस को बेचते हुए, ये 250 रुपये लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग रेट दिया हुआ है, देखने के लिए तो अच्छा है लेकिन अजीब भी है कहीं कैक्टस। फिर से दिख गया मुझे तमुल पान सुपारी, देख लीजिए। हाँ बहुत महंगा है, 10 रुपया नहीं होता ये, 10 रुपया ये 10 या 20 दो पीस 20 ये तो दो चार दीजिए, तो दो दो जगह में। अब ऐसा कीजिए ना, 50-50 कर लीजिए, दो दो जगह। अभी देखता है, सब एक एक करके दाम बताइए, तो हम सबका एक एक लेना चाहता है। इसका कितना दाम है? 20 रुपया पैकेट। ये 20 रुपया और ये 20 रुपया पैकेट। 20 वो भी 20 में दो। ये क्या है? ये भी मिर्ची है क्या? टमाटो क्या? टमाटर ट्री टमाटो इसको कैसे खाता है?
बना के खाना पड़ता है। बैंगन की भत्ता बनाता है? हाँ बनाता है, बैंगन की भत्ता बनाता है। फिश करी खाता है? अब पता नहीं। हाँ फिश करी, हाँ फिश करी खाता है। गुड जलो क्या मीन्स गोश्त चिली, गोश्त चिली। हाँ स्मेल करो, कौन बोला खाने के लिए खाएगा तो यहाँ बिना म्यूजिक का डांस करेगा। स्मेल करो। ऑरेंज कितने में दे रहा है? ऑरेंज बहुत महंगा है दोस्तों। हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऑरेंज का रेट जो है ना, आपको पीसेस में मिलेगा, एक पीस दो पीस, बाकी जगह में तो किलो के हिसाब से मिलता है। 100 का कितना पीस? 8 पीस। बहुत महंगा यार। और दोस्तों मैंने एक चीज़ और नोट किया, अभी आप देख रहे हो स्ट्रीट फूड काफ़ी पॉपुलर है शिलोंग में, सब लोग आते हैं यहाँ में खाने के लिए। एक्चुअली ठंडा है और गर्म गर्म खाने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखिए बहुत क्रेजी है, लेकिन आपको मैं बता दूँ यहाँ में चिकन के साथ फर्क यानी सुअर का मीट भी बहुत पॉपुलर है। आप लोग नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दूसरा दुकान से खा सकते हो। आप लोग देख लीजिए किस हिसाब से पब्लिक है, बहुत ही भीड़ भाड़ होता है शाम के टाइम में, अमेजिंग। वैसे तो दोस्तों डेली शाम को मैं अलग अलग रेस्टोरेंट में चिकन खाता था, नॉनवेज खाता था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा जितना इस थाली को, मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। चिकन का कटोरा इसमें भी है बट परफेक्ट नहीं मिला मेरे को। 10 नंबर का सूप इधर भी नहीं है दोस्तों। बेकार दुकान है। नेशन रेस्टोरेंट डिनर करके सो जाने का है, कल सुबह इधर में क्या दुकान है भाई। अगर दोस्तों आप लोग को शॉपिंग करना है, कपड़े यहाँ में बता दूँ काफ़ी महंगा है, तो आप लोग सोच समझ के शॉपिंग कर सकते हो। सोविनियर्स आप लोग ज़रूर खरीद लीजिए, कोई भी नया जगह में आते हैं तो सोविनियर्स खरीदना ज़रूरी है, लेकिन कपड़े यहाँ में काफ़ी महंगा है। तो गाइस फाइनली ये भाई साहब और ये दोनों हमको हेल्प किया है, सू मिल गया फाइनली, 4-5 दुकान ढूंढा, फाइनली आई गॉट द सू गाइस डिजर्ट फ्रॉम दिस शॉप, थैंक यू सो मच ब्रो। और ये रहा शिलोंग में बाइक पार्किंग का स्टाइल दोस्तों। दोस्तों इसमें देखिए इन लोगों का जो है स्कूटी रखने का स्टैंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। रात को सब्जी मार्केट भी है इधर में, इधर से बस निकल रहा है, शायद बस स्टैंड इधर में है, ये आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस निकल रहा है। दोस्तों शिलोंग वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज इन इंडिया, बहुत अच्छा शहर है। शहर मतलब इतना बड़ा शहर तो नहीं है बट परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, वेल मेंटेन्ड है, पहाड़ भी है, टेरा प्लेन एरिया है, गोल्फ कोर्स है, सीनरी है, ठंडी मौसम है, हिल स्टेशन है, परफेक्ट। होटल्स आप लोग अगर मार्केट का एरिया चाहिए तो यही एरिया है जहाँ में होटल ऑक्सीडोसिन में है, और भी बहुत सारे होटल्स हैं, आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग दूसरा लोकेशन में भी रह सकते हो, होटल या होम स्टेज है उधर भी रह सकते हो। ये रात का नज़ारा है शिलोंग का साइट सीइंग से वापस आते वक्त, और ये सुबह का नज़ारा साइट सीइंग के लिए जाते वक्त, तो दोनों ही अच्छा सा व्यू है, रात को हो या दिन में हो, ब्यूटीफुल। माय होटल रूम, बहुत छोटा सा रूम है, सिंगल रूम है ये, मैं इतना सारा होटल घुमा, ये शीशा जो है ये जो लकड़ी से बनाया हुआ है फिर बीच में शीशा दिया हुआ है, इट्स फैंटास्टिक। बेसिक सब ठीक ठाक है, इधर वार्डरोब है, पेंटिंग है, टीवी है, कोई आजकल कोई देखता नहीं, पंखा की है, पंखा की जरूरत नहीं है, रास्ते केटली वगैरह है, ये सब गंदा हो गया अभी। एंड वॉशरूम में वेस्टर्न टॉयलेट है, वो गेजर है, वेरी इंपॉर्टेंट इन हिल स्टेशन टू हैव गेजर, गर्म पानी की बहुत ज़रूरत होता है। तो ये दाम भी बहुत रिजनेबल है, और ये मेन मार्केट में है, कोई बड़ा होटल तो नहीं है, और मेरे को ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि सुबह हम 7 बजे जाता है साइट सीइंग करने के लिए, शाम को 8 बजे आ जाता है, तो खाली सोने का है। सो होटल्स में फालतू में पैसा बर्बाद करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इधर शिलोंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ जो है आउट स्टेशन, यानी से यहाँ से 3-4 घंटा ऐसे करके जाना पड़ता है, ठीक है ना। सो बजट ट्रैवलर्स के लिए, सिंगल ट्रैवलर्स के लिए तो ये रूम पूरा परफेक्ट है। दोस्तों ब्लॉग अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं फाइनल वीडियो बनाऊंगा पूरा मेघालय के ट्रैवल गाइड के ऊपर, उसको देखना ज़रूर ना भूले, और आपको रिकमेंड करूंगा ज़रूर घूमने आए एक बार।